राशन कार्ड साल भर से हो गया, फार्म ही भरते जा रहे हैं, रद्द हो जाता है। सरकार अपनी मस्त है जो भी है। हम लोग चंदा करके बनवाते हैं गुरु, बोल देते हैं कि हाँ हम करा देंगे काम, जीत जाने दो, शपथ हो जाने दो, फिर काम करा देंगे, बस शांत बैठ गए। योजना का तो पता ही नहीं है कि कब योजना आती कब चली जाती, पता ही नहीं चलता यहाँ पे तो क्या। फिर ये मिलने का क्या फायदा, नहीं देते, जितने का मिला नहीं उतने का तो लग रहा है। देखो पूरे प्रदेश में पक्का मकान बन गया, लोन मिल गया, हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा। सर मैंने 2 से 3 बार है ना आवेदन भरे हैं ये मकान के लोन के लिए कि गरीब आदमी हम लोग क्या करें। पार्षद कौन है यहाँ के, आपके गांव? यहाँ के पार्षद अभी जो नए पार्षद बने हैं वो बने हैं विनोद पटेल। विनोद पटेल जी हाँ, जो अभी का चुनाव हुआ 1 साल लगभग पूरे होने वाले होने जो विनोद पटेल के यहाँ, मतलब ज्योति लोधी महिला लेडीज सीट थी ना इस बार, तो वो पार्षद यहाँ पे बनी जी। तो वो तो जैसे महिला हैं और आप लोग भी महिला हैं, तो आप लोगों के हित में जो है तो कुछ काम किया जो यहाँ की पार्षद? कुछ नहीं किया, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जाते हैं तो वो कुछ सुनते ही नहीं हम लोगों की, घर पे ही नहीं मिलते तो कास करेंगे हम लोगों का, कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी तरीके की सुनवाई आप लोगों की नहीं? राशन कार्ड के लिए हम आप भी हो जाओ, राशन कार्ड साल भर से हो गया, फार्म ही भरते जा रहे हैं, रद्द हो जाता है, कुछ भी नहीं सुनवाई है। तो फार्म भरने के लिए फार्म भर करके आप लोग उन्हीं को देती? हाँ। नगर निगम में जमा करते हैं। नगर निगम यहाँ से कितना दूर पड़ता है लगभग? गढ़ा में, गढ़ा 20 किलोमीटर तो मान सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ। नहीं। कम से कम 8 से 15 किलो, मतलब 15-13 किलोमीटर जी हाँ। 15 किलोमीटर यहाँ से फार्म लेकर के जाओ, फिर उसके बाद फार्म कैंसिल हो जाए, फिर से दोबारा फार्म भरो, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अभी लाडली बहना योजना की बात शुरू हुई है जिसमें 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात, आप लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी? वो तो फार्म भरा, अभी हमने भरवाए हैं, सबका करवाए हैं। अब ये महिला लोगों का है तो हम लोग लगे थे, भाई जो भी है अपन डॉक्यूमेंट सरकारी काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, जब तक रहेंगे और जब तक करेंगे, सरकार के अपन आभारी हैं, सरकार अपनी मस्त है जो भी है, लेकिन प्लस ये है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोगों की मासूमियत ही है कि ना तो आपको भवन मिला हुआ है, ना तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, रोड यहाँ से निकली है आप लोगों को विस्थापित करके पीछे भेज दिया जाता है, जंगल विभाग कहता है कि आप यहाँ पर घर नहीं बना सकते हो, आप यहाँ पर रह नहीं सकते हो, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता है कि आप यहाँ पर नींव भी खोद नहीं सकते क्योंकि यहाँ पुराने किले वगैरह हैं, तो इसीलिए जो है तो आप यहाँ पर कुछ निर्माण नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि सरकार बड़ी अच्छी है, सरकार जो तो कर रहा है, ये गरीब की मासूमियत का फायदा सरकार जो तो हमेशा ठीक है बोल दिए हमने भैया, ऐसा है अब वो बड़े लोग हैं भाई, अपन तो उनको पूजनीय मानते हैं, जो भी बने जो भी आए सब अपने लिए पूजनीय है, लेकिन अब उनका कर्तव्य है कि गरीबों की तरफ ध्यान दें, हम गरीब आदमी पढ़े ना लिखे, इस पूरे मोहल्ले में वही एक हैंडपंप बस, तो अगर खराब हो गया तो फिर कहाँ से पानी? तो हम लोग चंदा करके बनवाते हैं गुरु, चंदा करके चैन लाते हैं, चंदा करके खुद काम कर लेते हैं, बड़े करते हैं काम, चैन खोल कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता, ये हम लोग स्वयं काम करते हैं आपस में जो भी मिल जुल के, चलो यार इकट्ठा होता है तब मिल के, पूरे जो आप मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सारे लोग चंदा करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही बनाते भी हैं, बनाते हैं। हाँ हाँ, और अगर इसके बाद जो है तो इस हैंडपंप के अलावा दूसरे हैंडपंप की बात करें कितना दूर पर हो? अच्छा वहाँ मंदिर अंदर बंगला मुखी, फिर हनुमान जी की, हनुमान जी दोनों तरफ एक एक 1.5-1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो जब चुनाव से पहले आते हैं कोई लोग तो आप लोग कहते नहीं है कि आप हर साल जो है तो बोल देते हैं कि हाँ हम करा देंगे काम, जीत जाने दो, शपथ हो जाने दो, फिर काम करा देंगे, बस शांत बैठ गए। क्या अब क्या कुछ नहीं, अब मुंह से तो बोल दिया लेकिन अब जाके पकड़ के तो ला नहीं सकते उनको, मतलब सिर्फ गरीब आदमी सिर्फ वोट देने के लिए है, वोट देने के बाद फिर 5 साल के लोग भूल जाएंगे, लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। अभी चुनाव आ गए हैं, अब फिर से लोग आएंगे, फिर से कहेंगे सारे काम हो जाएंगे, घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बोलो तो बस आप कह देते हैं कि हम पुरातत्व विभाग में हो, यहाँ पे लाइट ही नहीं लग सकती आप लोगों की,
आप लोगों का पट्टा ही नहीं बन सकता तो क्या करें हम लोग भी। तो फिर गरीब करेगा क्या, जब कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर उसको अंधेरे में रहेगा। जब सरकार से योजना मिल रही है एक बत्ती कनेक्शन तो वो भी नहीं मिल रहा हम लोगों, कुछ भी सुविधा नहीं है तो क्या सरकार जो है तो ये कहती है कि जो जो जहाँ है वो वहीं पे रहेगा। मोदी जी ने हाँ। बोला है, स्वयं बोला है जी मोदी जी ने, पेपर क्लिप हुआ था, मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता, ये मेरे को लेट पता चला है, इनने कभी कभी भी बोला हो, साफ बोला है, मीडिया में भी आया है कि जो गरीब जहाँ रह रहा है 5-10 साल से वो वहीं रहेगा। और अभी इतनी सारी रैलियां करके शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी बस्तियों के लिए, ऐसे जो लोग थे जिनके पास भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको पट्टा दिला करके उसी पट्टे पे घर बनवाने की बात की, लेकिन वो योजनाएं कहाँ हैं ये पता नहीं चलता है। आप जैसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो मासूम हैं, हर 5 साल में वोट दे देते हैं, उसके बाद 5 साल तक नेता को क्षेत्र में चलता ही नहीं है। योजना का तो पता ही नहीं है कि कब योजना आती कब चली जाती, पता ही नहीं चलता यहाँ पे तो क्या पेपर में आ जाती है, वहाँ बस हो जाएगी, यहाँ तक यहाँ के लिए हो जाता होगा। ये लोग सरकारी जमीन में रहते हैं, इनका किसी भी योजना पे कोई अधिकार नहीं। सिलेंडर मिला था आपको? सिलेंडर मिला आपको भी मिला? हाँ मिला, मिल गया था, चुनाव आना था तो चुनाव उसमें मिल गया। मेरी माता जी के नाम का है गौराबाई कोल, उनकी हमारी माता राम जी का है, आज भी है सिलेंडर। चलिए वो सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन वर्तमान में वो सिलेंडर 1120-1150 रुपए का हो गया है। भरवाती हैं? भरवाते हैं, हर महीने भरवा लेती हैं? हर महीने नहीं भरवा मतलब पाते, खत्म होता जब होता है। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्या, महंगाई नहीं लगती है? फिर ये मिलने का क्या फायदा, नहीं देते, जितने का मिला नहीं उतने का तो लग रहा है। पहले थी 500 रुपए की, अब हो गई 1000 रुपए की, 1100 की, तब क्या मतलब हुआ। वो तो मिल गया, चलता है, मेहनत करके भरवा लेंगे, खुश है, लेकिन इकट्ठा कनेक्शन नहीं खरीद सकते थे, इतनी हैसियत नहीं थी किसी को भी। मैं सर किसी को भी है ना कुछ गलत नहीं कह सकता, दरबार में रहता हूँ, माता रानी ने इसीलिए शिक्षा दी, इंसानियत होगी तो हमारे तरफ ध्यान देंगे, और नहीं होगी तो भाई कचड़े में तो डले ही है। जैसे अभी तक जिंदगी चली उसी तरीके से बाले जी हाँ, किसी को लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। इंसानियत होगी, समझदारी होगी तो हम लोगों के खिलाफ न्याय करेंगे।